अगली खबर में बात करते हैं मुरैना की, जहां बंदूकधारियों पर बंदूक प्रेम से बढ़कर बंदूक जमा करने का झंझट भारी पड़ने लगा है। यह वे बंदूकधारी हैं जो नगरीय व पंचायत चुनाव के दौरान लाइन में लगकर बंदूकें तो थानों में जमा करवा गए, लेकिन अब उठाने नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण अगले साल आने वाला विधानसभा चुनाव है। उनको लग रहा है कि अगले साल फिर जमा करने लाइन में लगना पड़ेगा, लिहाजा अब वे पुलिस वालों के बार बार बुलाने पर भी बंदूकें उठाने नहीं आ रहे हैं। बता दें कि यह हालत अकेले कोतवाली थाने की नहीं है, जिले के अन्य थानों में भी इसी प्रकार से बंदूकें जमा है, जिन्हें उठाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो चंबल के लोगों में अब धीरे धीरे बंदूकों का क्रेज थम सा गया है। बता दें कि शादी विवाहों में हर्ष फायर पर रोक लगी है, इसके कारण अब बंदूकों को टांग कर चलने का क्रेज लगभग खत्म होता जा रहा है। पहले शादी विवाहों में लोग बंदूकें कंधे पर टांग कर सख्त प्रदर्शन करते थे, बंदूक उनकी शोभा होती थी, लेकिन जब से मुरैना पुलिस ने हर्ष फायर पर सख्ती करना शुरू कर दिया है, तब से लोग इसको टांग कर शादी समारोह में जाना फालतू समझने लगे हैं। जिन लोगों को अपने दुश्मनों से भय है, वे अपनी कार में बंदूक लेकर चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि दुश्मनी के बहाने भी बंदूक लेकर चल रहे हैं। लोग उनके जा रहे हैं बंदूक लेने के लिए, आग्रह किया जा रहा है, बंदूक लेने नहीं आ रहे। कुछ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, और फिर भी उनको उन्हें बार बार करने पड़ रहा है। बंदूक करीब होंगी 400 करीब। तो